वेरी गुड आफ्टरनून एवरी वन, आई इश्मीत वेलकम यू ऑल ओवर हियर एट CPHA कैंपस. टुडे आर NSSL हैज़ ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ मेला. इट्स अ फ्री हेल्थ चेकअप कैंप. लेट्स वेलकम आर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पारुल विद अस, हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन अ हेल्थ कैंप. हाई मैम, आई वेलकम यू. हेलो मैम. मैम, कैसा रहा आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पे? यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. CPHA कॉलेज की जो NSSL है, मिस्टर गगन, मिस भूमिका, दे बोथ हैव टेकन ए ग्रेट इनिशिएटिव फॉर द सेम, एंड ऑल स्टूडेंट्स आर ऑल्सो इन्जॉइंग एंड पार्टिसिपेटिंग विद द मोटिवेशन. ओके मैम, आपने कहाँ पे कौन से डॉक्टर्स और पैनल एक्सपर्ट्स को आज अप्रोच किया है? मैंने अपने बोन सिटी के लिए किया था. ओके. उसके लिए किया, उसके बाद मैंने थायराइड चेकअप के लिए किया था, क्योंकि डॉक्टर जो हमारे यहाँ फिजिशियन जो आए हुए हैं उन्होंने मुझे देखते ही बोला कि हो सकता है आपको थायराइड हो, तो मैंने वो टेस्ट करवाया. ओके मैम, सो आप कैसे बिलीव करती हैं ऐसी इनिशिएटिव्स, जो हेल्थ चेकअप हो गया, मोर देन 300+ स्टूडेंट्स और फैकल्टीज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, तो इन सब इनिशिएटिव्स के लिए आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगी कि और हमें और कैसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? ऐसे इनिशिएटिव लेते रहना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियली भी स्टूडेंट नहीं करवा पाता है, जो कि हमें 6 मंथ से करवाते रहना चाहिए, बिकॉज आजकल जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग हेल्थ इश्यूज़ बहुत रहते हैं. तो स्टूडेंट्स खुद से ना करवाए तो कॉलेज की NSSL जो ये करवा रही है उससे स्टूडेंट अपने आप मोटिवेट होकर आता है और वो अच्छा लगता है, स्टूडेंट्स के हेल्थ के लिए अच्छा रहता है. तो मेरा तो यही मानना है कि ऐसे इवेंट्स हर सेमेस्टर होते रहें तो स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट लेंगे और उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उनको पता चलेगा क्या इश्यूज़ है इसके अंदर, और वो जो भी उनको इशू पता चलेंगे तो जेन्युइन सी बात है उसके लिए वो वर्कआउट करेंगे और उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी. ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग ओवर हियर एट हेल्थ मेला टुडे. थैंक यू मैम.